सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच द्वारा दिए गए आदेश के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में डिटेल्स पब्लिश की। इसमें डोनेशन की डेट और रकम के साथ साथ इसे खरीदने वाले के नाम जारी किए गए हैं। वहीं दूसरे भाग में राजनीतिक दल और उन्हें मिली राशि की डिटेल्स मौजूद है। इस रिपोर्ट में सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। इस खुलासे के बाद से भारतीय मीडिया में ये पूरा मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया। ऐसे में इस रिपोर्ट में दिख रही इस कंपनी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। हब पावर कंपनी ने 18 अप्रैल 2019 में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स खरीदे थे। ऐसे में इस कंपनी की ओर इशारा करते हुए यूजर्स दावा कर रहे हैं कि ये कंपनी पाकिस्तान की है। कुछ यूजर्स का कहना है कि इस कंपनी ने भाजपा को चंदा दिया, तो वहीं कुछ कह रहे हैं कि इस कंपनी ने कांग्रेस को डोनेशन दिया। दरअसल ये डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है कि किसने किस पार्टी को डोनेट किया है। समाजवादी पार्टी से जुड़े इस ट्विटर अकाउंट ने 15 मार्च को ट्वीट किया कि पाकिस्तानी कंपनी हब पावर कंपनी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 95 लाख भाजपा को डोनेट किए और उसी दौरान पुलवामा में हमारे सिपाही मारे जा रहे थे। और भी कई यूजर्स ने भाजपा पर निशाना साधते हुए यही दावा दोहराया। तो वहीं इस यूजर ने ट्वीट करके लिखा कि इस कथित कंपनी ने कांग्रेस को डोनेट किया है। ऑल्ट न्यूज ने इस कथित दावे को लेकर जांच शुरू की और हमें पता चला कि हब पावर कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान के बलूचिस्तान की एक कंपनी है। उन्होंने भारतीय सोशल मीडिया पर वायरल दावे को लेकर क्लेरिफिकेशन दिया कि उनकी कंपनी का इंडिया की हब पावर कंपनी या इंडिया की और कोई कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की इस कंपनी ने ये बात साफ की कि उनका कथित दावे में बताए गए डोनेशन से भी कोई लेना देना नहीं है। वहीं सरकार द्वारा 2018 में निर्धारित किए गए रूल्स के हिसाब से सिर्फ भारतीय नागरिक या भारत में निगमित कोई इकाई ही इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स खरीद सकती है। गूगल पर इस कंपनी के संदर्भ में सर्च करने पर हमें इंडिया मार्ट वेबसाइट पर इस कंपनी की डिटेल्स मिली। इसके मुताबिक ये दिल्ली स्थित कंपनी है। ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमने भारतीय सरकार की वस्तु एवं सेवा कर की ऑफिशियल वेबसाइट पर टैक्सपेयर्स में इस कंपनी को खोजा। यहाँ पर भी इस कंपनी को दिल्ली में स्थित बताया गया है। इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दिन ही इसका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था। इस कंपनी के बारे में स्वतंत्र मीडिया आउटलेट न्यूज लॉन्ड्री ने छानबीन शुरू की, लेकिन उन्हें इसे रोकना पड़ा क्योंकि उन्हें इस फर्म के रिप्रेजेंटेटिव रवि मेहरा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। दिल्ली सरकार के GST डिपार्टमेंट को कोट करते हुए मीडिया आउटलेट ने रिपोर्ट में बताया कि हब पावर एक फर्जी कंपनी है जिसे बंद कर दिया गया था। यानी यहाँ इतना तो साफ हो जाता है कि हब पावर कंपनी पाकिस्तान से संबंधित कंपनी नहीं है, ये दिल्ली में स्थित एक कंपनी थी। व्यूअर्स ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स को लेकर पब्लिश किए गए डेटा से डोनेशन देने वालों को राजनीतिक पार्टी से जोड़ पाना फिलहाल मुमकिन नहीं है। तो फिर इस कंपनी ने कांग्रेस या भाजपा को चंदा दिया, ये क्लेम अपने आप में अधूरा साबित होता है।